बिल्कुल उल्टा करके रख दीजिए, चिन मुद्रा बना लीजिए। हम तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन के अंदर आप सभी बैठ जाइए, कंधे नीचे की तरफ रिलैक्स कीजिए और अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। आंखें बंद कर लीजिए सभी, स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें। एक लंबा गहरा श्वास नासिका से, इनहेल एंड एक्सेल, धीरे से श्वास को छोड़ दीजिए। एक बार फिर इनहेल, लंबा गहरा श्वास नासिका से, श्वास को आप अपनी छाती में पूरी तरह से भर लीजिए और धीरे से एक्सेल। एक बार फिर हम श्वास को अंदर भरेंगे, सारी की सारी पॉजिटिव ऊर्जा को भरते हुए, और श्वास को छोड़ते हुए हर तरह के नेगेटिव ऊर्जा को, नकारात्मक ऊर्जा को आप अपने शरीर से, दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। सभी तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे और कोशिश कीजिएगा कि ओम की ध्वनि को आप जितना लंबा खींच पाए और पूरी सहजता के साथ कीजिए। एवरीवन, सभी लंबा गहरा श्वास फिर से लीजिए, इनहेल एक साथ, इनहेल एक बार फिर से लंबा गहरा श्वास, उस ऊर्जा को महसूस कीजिए। The vibration, the power, दोनों हाथ नमस्ते मुद्रा में बना लीजिए, दोनों हथेलियों को रगड़िए, और जोर से रगड़िए, रगड़ते जाइए जब तक कि आप अपने दोनों हाथों में ब्रह्माहट को महसूस ना करें। और जोर से रगड़िए, अपने दोनों पांव आप अपने आंखों पर रखिए, आंखें बंद रखिए, आंखों को दबाए मत। अगर आपके हाथ साफ हैं तो आप अपने दोनों हाथ अपने फेस पर रखिए, आपके कंधों पर, आपकी छाती पर, आपके नीस पर, पूरे शरीर पर। हथेलियों को रगड़ने से जो ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक। धीरे से अपनी आंखों को खोलिए, दो पैर सीधे कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि आप एक थोड़ा एक स्टूडेंट आगे आ जाइए और एक थोड़ा सा पीछे हो जाइए, ताकि आप एक दूसरे को टच ना कर। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखें और दोनों पैरों को धीरे धीरे हिलाएं। अभी यहां से हम स्टैंडिंग की पोजीशन लेंगे, लेग्स को थोड़ा सा मिला लीजिए, पंजों को सामने की तरफ और फिर पीछे की तरफ।
एक बार फिर से सामने की तरफ और फिर पीछे की तरफ। चेहरे को रिलैक्स रखिए और थोड़ा सा स्माइल रखिए चेहरे पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कोई पनिशमेंट देके दिखा दे। पंजों को घुमाइए धीरे धीरे, कोई भी फास्ट मूवमेंट ना करें, बिल्कुल धीरे। कमर को जितना हो सके सीधा रखिए, क्योंकि हमारी ये एक आदत बन चुकी है कमर को टेढ़ा मेढ़ा हो ऐसे हंस करके बैठने की। वेरी गुड, दूसरी तरफ गुड। ऐसे ही पंजों को ऐसे फ्लैक्स कीजिए धीरे धीरे, गुड। दोनों पैरों को पैर कीजिए और यहीं से वज्रासन पर आइए और हाथों की सपोर्ट लेते हुए सभी स्टैंडिंग पोजिशन पे आ जाइए, सभी खड़े हो जाइए। तो सबसे पहले हम नेक मूवमेंट को हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब भी आप नेक की मूवमेंट करें तो अपनी गर्दन को पूरा का पूरा खींच के सीधा रखें, उसको ढीला नहीं छोड़ना किसी भी तरह। तो दो बार मूवमेंट करेंगे हर एक मूवमेंट को। दोनों हाथ आप अपनी वेस्ट पर रख लीजिए और कंधे नीचे की तरफ रखिएगा, कंधे को ऐसे स्क्वीज नहीं करना है किसी में, कंधे नीचे की तरफ रखिएगा। सांस भरते हुए इनहेल और ऊपर की तरफ, गर्दन को लटकाना नहीं है, उतना पीछे लेकर जाना जहां तक आप अपने गर्दन को सीधा करते हैं। श्वास को छोड़ते हुए वापस आइए। अब एक बार मुझे देख लीजिएगा, गर्दन को ऐसे नहीं लटकाना है किसी में, सीधा रखिए गर्दन को और अपनी चिन को नेक की तरफ लेकर जाइए। एक बार फिर से करेंगे इनहेल, फिर से ऊपर की तरफ देखिए, छत को देखिए और एक्सेल के साथ धीरे से वापस आइए उसी मुद्रा के अंदर। अपनी चिन को नेक की तरफ लेकर जाइए, पूरा लटकाए मत। गुड, इनहेल सामने की तरफ देखिए और एक्सेल के साथ आप अपनी नेक को लेफ्ट की तरफ टर्न कीजिए, अपनी लेफ्ट साइड, कंधों को नीचे की तरफ रखिए। इनहेल सामने देखिए और एक्सेल राइट की तरफ देखिए, कंधों को बस नीचे की तरफ रखिए। इनहेल फिर से सामने देखिए मुस्कुराते हुए, एक्सेल फिर से लेफ्ट की तरफ जाइए, लेफ्ट की तरफ देखिए। इनहेल सामने आइए और एक्सेल एक बार फिर से राइट की तरफ गर्दन को घुमाएं, कंधों को ना घुमाएं। इनहेल सामने आइए, सामने देखिए, एक्सेल के साथ गर्दन को आप अपने लेफ्ट शोल्डर पर रखिए। जब आप अपने लेफ्ट शोल्डर पर रखें तो आप अपने राइट शोल्डर को थोड़ा नीचे की तरफ प्रेस कीजिएगा। इनहेल सामने आइए, एक्सेल राइट शोल्डर पर और फिर लेफ्ट शोल्डर को नीचे की तरफ रखिए ताकि आप पूरा स्ट्रेच आप दे पाए। इनहेल फिर से सामने देखिए और एक्सेल एक बार फिर से लेफ्ट शोल्डर पर, राइट शोल्डर को नीचे की तरफ। इनहेल सामने आइए और एक्सेल गर्दन को राइट शोल्डर पर लेकर जाएं और लेफ्ट शोल्डर को नीचे की तरफ पुश कीजिए। गुड, इनहेल सामने देखिए। अब यहां से हम नेक मूवमेंट करेंगे, लेकिन ध्यान देना है अगर किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या किसी को कोई डिजीनेस की कोई प्रॉब्लम है, किसी को चक्कर वगैरह आने की कोई प्रॉब्लम है, वो पूरा सर्कल ना करें, वो सिर्फ हाफ सर्कल करें। अगर आप बिल्कुल ठीक हैं तो आप बिल्कुल धीरे धीरे आपको आपकी नेक को पूरे सर्कल पर आपको लेकर जाना है। दो बार कीजिए, लेकिन ये जो मूवमेंट है जितना आप इसे धीरे कर पाए उतना धीरे कीजिए। किसी भी मूवमेंट को, कोई भी मसल मूवमेंट हो, उसको कभी भी तेज गति से कभी भी नहीं करें। ध्यान दीजिएगा, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या किसी को डिजीनेस की कोई प्रॉब्लम हो, पूरा सर्कल ना करें। इसको दूसरी तरफ कीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन पे कीजिएगा। गर्दन को थोड़ा खींच कर रखे, पूरा लेंथनिंग करके रखे। ओके, वेरी गुड, रिलैक्स रिलैक्स कीजिएगा। अब एक पर्सन थोड़ा आगे आ जाएगा और एक स्टेप दूसरा पर्सन पीछे चला जाएगा ताकि आपके हाथ एक दूसरे को टच ना हो। आप अपने दोनों हाथ साइड पर खोल लीजिए, बिल्कुल शोल्डर लेवल के ऊपर, शोल्डर लेवल पर खोल, जैसे हम खड़े ना आगे पीछे, ऐसे आपको आगे पीछे होना है, नहीं तो एक दूसरे का हाथ ना ऐसे एक दूसरे के चेहरे पर लगेगा। अब लेफ्ट हाथ को आप लेफ्ट की तरफ खींच के रखिए
और राइट हाथ को आप राइट की तरफ खींच करके पूरा का पूरा स्ट्रेस दीजिए यहां से. वेरी गुड. अब सांस को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाइए, दोनों हाथ ऊपर. वेरी गुड. हाथों को पूरा स्ट्रेच कीजिए, स्पाइन को स्ट्रेच कीजिए. आप अपने पैरों को नीचे नीचे की तरफ पुश करना है और अपर बॉडी को ऊपर की तरफ पुश कीजिए. वेरी गुड. एंड एक्सेल के साथ धीरे से वापस आ जाइए. अब दोनों हाथों की फिंगर टिप्स को मिला लीजिए और उन्हें ऐसे अपने शोल्डर पर कंधों पर रख लीजिए. यस. अब आपको शोल्डर मूवमेंट आपको करना दो बार एक तरफ और दो बार उसकी अपोजिट साइड. तो ब्रीथिंग के साथ करेंगे इनहेल. कोशिश करने की एल्बो को मिला के कोई भी एक डायरेक्शन में, कोशिश करने एल्बो को जितना नजदीक कर पाए और धीरे कीजिएगा, बिल्कुल धीरे धीरे सहजता के साथ. वेरी गुड. अब यहां से फिर दूसरी तरफ जो डायरेक्शन आपने लिया उसके अपोजिट डायरेक्शन पर कीजिए. अपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल धीरे, भागना नहीं है कहीं पर भी, कोई रेस नहीं लगानी कहीं पर भी, बिल्कुल धीरे धीरे. और चेहरे पर मुस्कान रखिए. मुझे अभी भी आपके चेहरे में ऐसे लग रहे हैं कि आप गुस्से में देख रहे हैं मुझे. स्माइल रखिए चेहरे के ऊपर, सहजता, बिल्कुल. वेरी गुड. हो गया अभी ये आपका. वेरी गुड. हाथों को थोड़ा रिलैक्स कर दीजिए. यहाँ से हम थोड़ा ट्विस्टिंग के मूवमेंट पर चलेंगे. अर्थ कटी चक्रासन से रिलेटेड थोड़ा सा है. तो आप दोनों हाथ शोल्डर पर रखें, सुमन आप कीजिए. तो यहां से आप दोनों हाथ रखिए, सामने रखिएगा. इनहेल और एक्सेल के साथ आप अपने लेफ्ट की तरफ मूवमेंट दीजिए. यस. आप एक हाथ अपने शोल्डर पर भी रख सकते हैं. इनहेल सामने आइएगा और एक्सेल दूसरी तरफ. दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस आप अपने हिप के हिसाब से रखिएगा. बहुत ज्यादा पैर नहीं खोलने, बहुत मिलाकर भी नहीं रखिए. इनहेल, फिर से वापस आइए बीच में. एक बार फिर से लेफ्ट की तरफ जाइए जो डायरेक्शन आपने लिया. देखिए अपने पीछे वालों को, देखिए पूरा पूरी तरह से देखिए अपने पीछे वालों को. इनहेल सामने आइए और एक्सेल फिर दूसरी तरफ जाइए. वेरी नाइस. इनहेल वापस आ जाइए, एक्सेल रिलैक्स कीजिए. हमने थोड़ा ट्विस्टिंग का मूवमेंट किया. ट्विस्टिंग की प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को पूरा का पूरा वो स्टिमुलेट करेगा, एब्डोमेन की मसाज करेगा. तो यहाँ से एक नी का प्रैक्टिस हम करेंगे. वैसे तो स्क्वाट से रिलेटेड है और वो चेयर पोज का भी एक वो पार्ट है. तो आप सभी दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रख लीजिएगा पहले. और आपको थोड़ा मुझे ऑब्जर्व करना है. थोड़ी सी एक माइनर सी इसमें कई बार एक टेक्निकली एक मिस्टेक होता है कि जैसे हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम नी को ऐसे आगे निकाल के हिप को ऐसे पीछे निकाल लेते हैं नॉर्मल लेवल पर. लेकिन आपको क्या करना है, बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है, नी को आपके जो पंजे हैं थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा, इनको अलाइन पर रखना है. और हिप को बाहर निकालने की बजाय हिप को ऐसे थोड़ी सी मूवमेंट देनी अंदर की तरफ. इसका रीजन क्या है, जैसे आप हिप को बाहर निकालोगे तो ज्यादा बॉडी का प्रेशर आपके नी पर आएगा, नी को वो इंजर्ड कर सकता है. सो टेक्निकली जब आप हिप को ऐसे अंदर की तरफ करोगे तो आपकी जो मेन जो स्ट्रेंथ है थाई की, वहां पर वो आ जाएगा. ठीक है, तो चलो. सो थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए दोनों पैरों के बीच में. दोनों हाथ सामने की तरफ, सांस भरेंगे इनहेल और एक्सेल के साथ. पहले धीरे से नीचे जाइएगा, नी को ऑब्जर्व कीजिएगा, अपने घुटनों को अपने टोस के साथ उसे आगे नहीं निकालना है, उसके बिल्कुल अलाइन रखिएगा. और फिर आप हिप को कोशिश करो धीरे से अंदर की तरफ ही मूवमेंट करने का और डिफरेंस फील करो. थोड़ा स्टे कीजिए, अपने दोनों पैरों को फीट को जमीन पर धरती माँ की तरफ प्रेस करके रखिए. वन, श्वास लेते रहिए छोड़ते रहिए. टू, थ्री एंड फोर, धीरे से फिर वापिस आ जाए. दोनों हाथों को रिलैक्स कीजिएगा. एक बार फिर से इसी मूवमेंट को करेंगे, दोनों हाथ सामने. इनहेल, श्वास भरिए और एक्सेल के साथ धीरे से नीचे आपको जाना है. अब ये आपकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा, अगर आप जहां तक आप इसे अलाइन कर पाए आप अपने हिसाब से नीचे या ऊपर जा सकते हैं, जहां तक आपकी स्ट्रेंथ आपको सपोर्ट करे. वन, स्माइल रखिए. टू, स्माइल नहीं करोगे तो आपको 5 मिनट तक इस पोजीशन में रोके रखेंगे. थ्री, फोर एंड फाइव, धीरे से वापस आइए. इनहेल और एक्सेल, रिलैक्स कीजिए. अगर आपको किसी को थोड़ा सा तनाव महसूस लगे तो आप धीरे से ऐसे जैक्स दे सकते हैं अपने पैरों के बीच. तो अभी यहीं से समस्ती पोजीशन पर आ जाइए. यहाँ से हमारे जो स्टैंडिंग जो पोस्टर्स हैं, जो खड़े होकर करने वाले जो आसन, यहाँ से हम उनकी शुरुआत करेंगे. तो सबसे पहला आसन हम करेंगे ताड़ासन.
तो ताड़ासन आप पैर मिलाकर भी कर सकते हो, थोड़ा सा डिस्टेंस देकर भी कर सकते हो, तो वो आप देख लीजिएगा। थोड़ा डिस्टेंस रखोगे थोड़ा इजी हो जाएगा लोगों के लिए। तो लेकिन पंजों को बाहर नहीं निकालना, अंदर की तरफ रखिएगा सब। ताड़ासन की भी बहुत सारी अलग अलग वेरिएशन है वैसे। तो यहीं से आप दोनों हाथ ऊपर लेकर जाए, धीरे धीरे हाथ ऊपर लेकर जाइए और दोनों उंगलियों को एक दूसरे में फंसा दीजिए, इंटरलॉक द फिंगर, और पाम फेसिंग आप हथेली को ऐसे ऊपर की तरफ कर दीजिएगा। वेरी गुड, पूरा स्ट्रेच कीजिएगा, पूरा स्ट्रेच कीजिएगा। गुड, धीरे से वापस आ जाइए सभी। अब हम इसकी दूसरी प्रैक्टिस फिर से करेंगे, एक बार फिर से एक साथ। एवरीवन इनहेल, बोथ हैंड्स अप, दोनों हाथ ऊपर लेकर जाइए, फिंगर लॉक बनाइए, पाम फेसिंग अप कीजिए और धीरे से आप अपनी एडी को उठा दीजिए। अब अपने हिप को चेक कीजिए, तो हिप को बाहर की तरफ नहीं निकालना है, हिप को आपको सामने की तरफ रखना है। बस स्टे कीजिए सिर्फ 4 सेकंड के लिए, श्वास लेते रहिए छोड़ते रहिए अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। वन, पूरा स्ट्रेच कीजिए, आप कीजिए, अपने बच्चों को करवाइए, हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही प्यारा आसन है। 4, 3, 2 एंड रिलैक्स, श्वास भरते हुए एंड श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापिस आ जाइए। किसी को तनाव लगे तो आप धीरे से अपने पैरों में जक्स दे सकते। यहां से हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन इज अ सिंबल ऑफ द स्टेबिलिटी, सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। तो लेकिन थोड़े से मैट है आपके पास, तो आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है। तो कोशिश करेंगे सभी। तो आप सभी को पता है कि आप किसी भी एक लेग से, चलो आप अपनी राइट लेग को, राइट फुट को आपको अपनी लेफ्ट इनर थाई पे लगाना है। अगर आपको लगता है कि बैलेंस नहीं बन पा रहा है, ये डांसिंग ट्री बन रहा है आपका, तो आप इस लेग को ऐसे अपने एंकल के साथ लगा लीजिएगा। लेकिन डांस नहीं करना है, डांस की वर्कशॉप हम कभी फिर लगाएंगे, ठीक है? वेरी गुड। जहां पर भी आपको बैलेंस महसूस हो वहीं करना है। कम ऑन, हमें स्टेबल स्थिरता वाला हमें वृक्ष देखना है, डांस करने वाला ट्री देखना है। 1, कोशिश करनी है, 2, 3 एंड 4, अब धीरे से वापिस आ जाए। किसी भी चीज को अचीव करने के लिए कई बार हमें छोटे छोटे स्टेप्स भी हमें लेने पड़ते हैं। किसी के लिए इजी हो सकता है, अधिक डॉक्टर जय दीजिए, अगर हमें नहीं है 1 घंटा रुक जाइए तो 1 घंटा में रुक जाएंगे इसके। तो इसी को हम दूसरी तरफ से भी करेंगे। आप दूसरे पैर को यूज कीजिए और आप उसे अपनी इनर थाई के अंदर ऐसे आराम से लगाइए। जल्दी में मत कीजिए, एक एक स्टेप को बिल्कुल प्यार से, धीरे से, सहजता से जाइएगा। कोई भी जज देंगे, झटका देंगे, तो आप उसमें गिरने के चांसेस आपके ज्यादा हो जाएंगे। पूरा फोकस कीजिए स्टेबिलिटी के साथ, अपनी स्ट्रेंथ को यूज कीजिए, चेहरे पर मुस्कान रखिए, श्वास लेते रहिए और छोड़ते रहिए। एंड वेरी गुड, अब धीरे से वापस आ जाइए। नाइस, अगर फिर से आपको तनाव लगे तो आप अपने दोनों लेग्स को धीरे से ऐसे जज दीजिए। यहाँ से हम चलेंगे पादहस्तासन की तरफ। पादहस्तासन पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अगर किसी को बैक पेन की कोई प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल ध्यान से उनको करना है, जहां तक आप घुटनों पर अपने दोनों हाथ रख सकते हो उस केस के अंदर। कमर को ऐसे मोड़ते हंच करते हुए नहीं जाना, स्पाइन को सीधा करके आपको जाना। तो सुमन आप इस तरह मेरी तरफ फेस करें, थोड़ा इजी रहेगा। तो सबसे पहले एक साथ करेंगे, इनहेल, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, पूरा का पूरा स्ट्रेच कीजिए हाथ को, स्पाइन को, और एक्सेल के साथ आप अपने स्पाइन को सामने की तरफ खींचते हुए, बिल्कुल सामने तरफ खींचते हुए नीचे जाइए। गुड, आप फ्लोर पर फिंगर टिप को रख सकते हैं, पाम को रख सकते हैं, या दोनों पाम आप अपने फीट की तरफ लेकर जा सकते हैं। पैरों को कोशिश कीजिए सीधा रखने की। अगर किसी को लगता है कि आपको ये बहुत चैलेंजिंग लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है, तो उस केस में आप अपने घुटनों को थोड़ा सा बेंड कर लीजिए। घुटनों में किसी भी तरह का तनाव आ रहा है, हैमस्ट्रिंग में तनाव आपको लगता है, तो आप दोनों हाथ अपने घुटनों पर भी रख सकते हैं। वेरी गुड, इनहेल, धीरे से वापस आइए हाथ ऊपर, एंड एक्सेल, धीरे से हाथों को रिलैक्स कीजिए। किसी भी आसन में जाने का तरीका और आने का तरीका दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झटके से नहीं जाना कभी, झटके से वापस भी नहीं आना कभी। तो इसके बाद हमारा जो अगला आसन रहेगा वो रहेगा आपका अर्धचंद्र आसन, जिसके अंदर आपको अपने दोनों हाथ जो है आपको अपनी कमर पर रखें, दोनों हाथ कमर पर रखिए ऐसे, और एल्बो को कोशिश करना है बाहर नहीं निकालना है, एल्बो को कोशिश करना अंदर की तरफ। क्यों, टेक्निकल थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। जैसे आप एल्बो को अंदर करेंगे,
आपके जो शोल्डर है अपर बैक वो भी ओपन हो जाएगी और कंधों को भी आपको नीचे की तरफ रखना है, ये अकड़ के नहीं रहना बिल्कुल, बिल्कुल कंधे ऐसे नीचे की तरफ रखेंगे, ठीक है। और हिप जब आप करेंगे हिप पीछे करके नहीं जाना, हिप को भी सामने की तरफ रखना। तो पूरा लंबा गहरा श्वास लीजिए, इनहेल दोनों पैरों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस रखिए, स्पाइन को खींचिए और एक्सहेल के साथ श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 पीछे की तरफ जाइए। अपने स्पेशल अपनी गर्दन का ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है आपको, जहां तक आप इजिली श्वास को ले पाए और छोड़ पाए। 1 2 3 वापस आ जाइए, इनहेल के साथ वापस आइए और एक्सहेल के साथ फिर से एक बार सामने की तरफ बेंड कीजिए, अपोजिट अल्टरनेट प्रैक्टिस के लिए। वापस आइए, इनहेल एंड एक्सहेल। जब आपने बैक बेंडिंग किया, सर मैं कुछ पूछना चाहूंगा बीच में, तो किन किन स्टूडेंट ने सांस को रोक लिया? जब आप बैक बेंड करते हो सांस किस किस का रुक गया था? क्यों रोका था आपने सांस? क्योंकि आप अपनी स्ट्रेंथ से, आप अपनी लिमिट से ज्यादा जा रहे थे वहां पर। तो ये अच्छा तरीका होता है, जैसे कि वी ऑलवेज नो कि योगा जो है बैलेंस इन बिटवीन बॉडी एंड माइंड। तो बैलेंस आप कैसे महसूस करोगे? आप अपने श्वास को चेक करना, आपको किसी भी प्रैक्टिस के अंदर, आसन के अंदर आपको लगे कि आपकी श्वास डिस्ट्रैक्ट हो रही है, श्वास आपकी तेज हो गई या धीरे हो गई या श्वास रुक गई, इसका मतलब आप गलत कर रहे हो। तो थोड़ा करो लेकिन श्वास को आप कंटिन्यूसली, आपको श्वास को लेना और आपको छोड़ना। इसके बाद हम चलेंगे त्रिकोण आसन की तरफ, ट्रायंगल पोस्चर के अंदर। थोड़ा आगे पीछे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दोनों पैरों को साइड पर खोल लीजिए, जस्ट समवेयर 3-3.5 फीट के हिसाब से। तो यहां से हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे, थोड़ा इजी रहेगा। आप अपने लेफ्ट फुट को लेफ्ट की तरफ ऐसे टर्न कर लीजिएगा, दोनों हाथ साइड पर खोलिए शोल्डर लेवल के अंदर, इनहेल और एक्सहेल लेंथन कीजिएगा लेफ्ट की तरफ, धीरे से लेफ्ट हैंड को नीचे की तरफ लेकर चलिए। कम ऑन, अगर आप कर सके तो आप फ्लोर को टच कीजिए, नहीं कर पा रहे तो आप अपने एंकल को टच कीजिए और दूसरा हाथ आप ऊपर की तरफ लेकर जाइए। अब जो हाथ आपका ऊपर है राइट हैंड को ऊपर की तरफ पुश करना है और लेफ्ट हैंड को नीचे की तरफ पुश करना है और श्वास को लेना है और छोड़ना है। 1 2 3 4 धीरे से श्वास भरते हुए वापस आइए और एक्सहेल एक बार रिलैक्स कीजिए। अब इसी प्रैक्टिस को दूसरी तरफ, राइट फुट को राइट की तरफ, दोनों हाथ फिर से खोल लीजिए साइड में, इनहेल एक्सहेल थोड़ा सा लेंथन कीजिएगा और राइट हैंड को धीरे 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 नीचे की तरफ लेकर जाइए। अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी एबिलिटी को पहचानिए, जरूरत से ज्यादा करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर हम कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं कर रहे। 1 श्वास लेते रहिए और छोड़ते रहिए, 3 4 and 5 धीरे से वापस आइए, इनहेल एंड एक्सहेल देन रिलैक्स, दोनों पैरों को मिला लीजिए और फिर से धीरे से ऐसे चार्ज दीजिएगा। वेरी गुड, सो हमारे स्टैंडिंग का जो हमारा जो सीक्वेंस है वो कंप्लीट हुआ। यहाँ से हम सिटिंग पोजीशन के अंदर हम चलेंगे, तो आप अपने अपने सहज तरीके से सिटिंग पोजीशन पर आ जाइए, या फिर एक दूसरा तरीका है बिल्कुल आराम से कि आप एक लेग बेंड कीजिए, घुटना ड्रॉप कीजिए, फिर दूसरा कीजिए, फिर आराम से बैठ जाइए, फिर हाथ रख लीजिए और फिर दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। यस, यहाँ से हम आ जाएंगे दंडासन की स्थिति के। तो दोनों हाथ आप अपने हिप के बिल्कुल साइड पर रखिए, ऐसे बिल्कुल साइड, और दोनों हाथों को नीचे पुश कीजिएगा ताकि आपको अपने स्पाइन के लिए सपोर्ट मिल पाए और अपने स्पाइन को पूरा का पूरा लिफ्ट कर दीजिए ऊपर की तरफ, और दोनों पंजों को अपनी तरफ फ्लेक्स कर लीजिए, अपनी तरफ खींचिए, घुटने आपके लॉक हो जाएंगे, आपके इनर थाई भी आपकी लॉक हो जाएगी, और कोशिश करो कि आप अपनी स्पाइन को थोड़ा ढीला नहीं छोड़ें, ऐसे मेरी तरह उसको खींच के रखो, लिफ्ट करके रखो, बिल्कुल लिफ्ट करके सामने देखिए, बिल्कुल मुस्कुराते हुए। वेरी गुड, स्टे कीजिए 1 ब्रीथिंग के साथ, 2 3 and 4 वेरी गुड। अब यहां से हम पोजीशन में आएंगे बटरफ्लाई या भद्रासन की तरफ, दोनों पैरों को ऐसे मोड़ लीजिएगा, फीट मिला लीजिएगा, दोनों फीट को मिला लीजिए, यस। तो अब आपको अपने फीट को अपनी तरफ लेकर आना, लेकिन कहां तक लेकर आओगे? जहां तक आपके हिप की मोबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी है,
और दूसरी चीज आपको महसूस ये भी करनी है कि आपने नजदीक आ गए लेकिन आपकी कमर टेढ़ी मेढ़ी हो, जहां तक आपको आपकी स्पाइन भी सीधी रखनी है और क्लोज भी रहना है, तो वो आप बैलेंस बनाइए कहां तक आप कर पाए। तो दो तीन बार एक बार नॉर्मल लेवल बटरफ्लाई कर लीजिए, नी अप एंड डाउन, थोड़ा सा स्विंग कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, सहजता से कीजिए, बिल्कुल प्यार से। किसी भी आसना को करने से पहले हमारे जितने भी जो मसल्स की जो मूवमेंट है वो करनी बहुत ही जरूरी है, रीजन ताकि किसी भी तरह की कोई इंजरी ना हो पाए। तो अब यहाँ पर हम इसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे, दोनों हाथों से रोक लीजिए इसे और फिर स्पाइन को सीधा कर लीजिए, उसे स्टीप कीजिए, घुटने आपको प्रेस करने नीचे की तरफ, पुश द नी डाउन, और स्पाइन को लिफ्ट करना ऊपर की तरफ और कंधे करने नीचे की तरफ, शोल्डर डाउन, कंधे नीचे, स्पाइन सीधी, नी पुश डाउन, नी को पुश डाउन करना, स्टे कीजिए और श्वास लीजिए और छोड़, श्वास लीजिए और छोड़, श्वास लीजिए और छोड़, वेरी गुड। अब यहीं से दोनों पैरों को बेंड कर लीजिए, यस बेंड कर लीजिए और जोर से एक बार उसे हक कीजिए, तो हक कीजिए, हम हमेशा दूसरी चीजों को हक करते हैं, आप अपने आप को हक करो, जोर से हक करो, कमर को सीधा रखो, बिल्कुल नी को और थाई को मिलाने की कोशिश करो, वेरी नाइस। यहाँ से हम आएंगे वज्र आसन की तरफ, थंडरबोल्ट पोज, जैसे कि नाम में इतनी शक्ति है इस आसन में भी उतनी ही शक्ति है, तो लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर किसी को घुटने की कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको अवॉइड करेगा, तो आपको धीरे धीरे दोनों पैरों को ऐसे बेंड कर नीज को मिला। अभी हमारे पास कुछ है नहीं, अगर किसी को फेवर होता है कि हैमस्ट्रिंग में स्टिफनेस है, हिप में स्टिफनेस है, आप कभी घर में इसकी प्रैक्टिस करते हो तो आप ना अपने हिप के नीचे घर में आपको पिलो तकिया मिल जाएगा, कोई ब्लैंकेट हो गया, उसको फोल्ड करके आप हिप के नीचे लगा के फिर भी आप बैठ सकते हो, ईजी हो जाएगा। नी में कोई प्रॉब्लम है किसी को, एंकल में कोई प्रॉब्लम, तो वो इस प्रैक्टिस को नहीं करेगा, बस हम इसको 10 सेकंड के लिए यहाँ स्टे करेंगे। यही एकमात्र ऐसा आसन है जो आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हो, बिकॉज दिस आसन जो है आपके डाइजेशन सिस्टम को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको बनाता है। कंधे नीचे रखिए, बिल्कुल आंखें बंद करके बैठ जाए, लंबे गहरे श्वास, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्स, एक बार और इनहेल एंड एक्स, गुड। यहां से हम चलेंगे उष्ट्र आसन की तरफ, कैमल पोज़, उष्ट्र आसन जो है एक बैक बेंडिंग का आसन है, तो इसके दो पार्ट रहेंगे, एक हम करेंगे हाफ, एक हम करेंगे फुल, तो सभी को आपको अपने नी के ऊपर आ जाइए सभी, और दोनों नी के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए, अगर कोई किसी में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी वो मिला भी सकता है, लेकिन कंफर्टेबल लेवल के हिसाब से थोड़ा डिस्टेंस रखिए। अब डिस्टेंस कितना रखना है आप अपने हिप को मेजर कर लीजिएगा, इजी, हिप के हिसाब से आपको डिस्टेंस रखना। दूसरा, पंजों को ये रखिए ऐसे, या फिर आप इन्हें ऐसे कर्ल द टोज भी कर सकते हो, ये और ईजी रहेगा। दोनों हाथ आप अपनी कमर पर रख लीजिएगा, जैसे हमने स्टैंडिंग में चंद्रासन किया था उसी तरीके से, गुड। फिर ओपन द शोल्डर कीजिए, पीछे से एल्बो को मिलाने की कोशिश कीजिए, फिर से लंबा गहरा श्वास लीजिए, इनहेल एक्सेल के साथ शोल्डर नीचे, धीरे धीरे पीछे की तरफ चलिए, वही चीज आपको ध्यान रखनी, उतना पीछे जाइए जहां तक आप कंट्रोल कर पाए, बैलेंस बना पाए, स्टेबिलिटी बना पाए और अपने श्वास को आसानी से ले पाए और छोड़ पाए। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आ जाइए और एक्सेल के साथ धीरे से बैठ जाइए, दोनों पांव घुटनों पर रखिए और कमर को ऐसे स्क्वीज कर लीजिए फॉर रिलैक्सेशन के लिए, इस तरीके से, वेरी गुड। हम फिर से इसी प्रैक्टिस को दोबारा से करेंगे, फिर से नी के ऊपर आ जाइए, लेकिन अब की बार की जो प्रैक्टिस होगी वो आपको देखना है कि आप वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे अपनी एबिलिटी के हिसाब से, इसमें आपको सुमन थोड़ा सा हेल्प करेगा, आपको दोनों एंकल आपको होल्ड करना है, एक बार देख लीजिए, कई बार होता है कि जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो जाती है, तो गड़बड़ नहीं करनी, अगर आप एंकल होल्ड कर पाए ये आपका रहेगा पहली ऑप्शन, इससे थोड़ा और इजी हो जाएगा, आप अपने टोज को कर्ल कर लीजिए, कर्ल द टोज, यस, तो ये दूसरी, ये थोड़ा और इजी हो जाएगा, फिर भी ये ना हो पाए तो फिर से जो हमने पहली बार जो प्रैक्टिस किया था वो करना है, ठीक है, लेकिन ये टेढ़ी मेढ़ी प्रैक्टिस नहीं करनी है, इस तरीके से
स्पाइन का नुकसान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलो इनहेल और एक्सेल, कोई भी एक पोर्शन आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से ले लीजिएगा। हिप को सामने की तरफ आपको पुश करना है, चेस्ट को पूरा ओपन करना है, ताकि आप पूरी की पूरी ओपनिंग दे पाए अपने चेस्ट में, अपने लंग्स में, अपने हार्ट में, और फिर धीरे से श्वास भरते हुए वापस आ जाए, धीरे से, बिल्कुल धीरे से। अब आया किसी को चक्कर? आया, मतलब सभी ने बहुत अच्छे से किया, वेरी गुड। बैठ जाइए, दोनों पांव घुटने पर रखिए और धीरे से फिर से ऐसे स्क्वीज कीजिए। इसका अल्टरनेट पोस्चर रहेगा शीशांकासन, बालासन जिसको हम कहेंगे। तो आपको अपने घुटने धीरे धीरे से साइड पर खोलना है, यस, और दोनों फीट को भी थोड़ा बाहर की तरफ, और धीरे से सामने की तरफ जाइए, बिल्कुल सामने की तरफ जाइए। पूरा का पूरा स्ट्रेच कीजिए, हिप को पुश डाउन कीजिए, हिप को नीचे की तरफ पुश कीजिएगा, स्पाइन को बिल्कुल सामने की तरफ स्ट्रेच कर दीजिएगा। सभी के सभी धरती माता को प्रणाम कीजिए, स्टे कीजिए वहां पर, सैल्यूट टू द मदर अर्थ। जगह नहीं मिल रही तो टेढ़े मेढ़े होके कर लो, वेरी नाइस, स्टे हेयर, स्टे हेयर। कभी भी आप कोई बैकबेंडिंग की प्रैक्टिस करते हो, उसके बाद शीशांकासन, जो है एक विश्रामात्मक आसन है, रिलैक्सिंग पोस्चर है, जो बहुत ही फायदेमंद है। अब वापस आ जाए, बिल्कुल धीरे से वापस आ जाए। तो यहां से हमारा जो अगला जो पोस्चर रहेगा, आसन रहेगा, वो रहेगा उत्तान मंडोकासन। तो ये भी इसी पोस्चर में हम करेंगे। आप इसमें सुमन फेस उधर कर लो, आप दूसरी तरफ, आपको नी खोलने हैं और कोशिश करने की आप आपके जो हिप है वो आपके हील के ऊपर, कोशिश करनी है बस आपको, ठीक है, जबरदस्ती नहीं करनी है, ये आपको ध्यान रखना हमेशा, कोशिश करनी है, जबरदस्ती नहीं करनी है, दोनों टोज को मिलाने की कोशिश करनी, मिल पाए वेरी गुड, नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं, घुटने में कोई प्रॉब्लम स्ट्रेन लगता है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद आप अपने लेफ्ट हैंड को उठाइए, लेफ्ट पाम जो है वो आपका राइट शोल्डर पर जाएगा, राइट हैंड को उठाइए, राइट हैंड आपका लेफ्ट शोल्डर पर जाएगा, बस स्पाइन को कोशिश करना है सीधा रखिए, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से कीजिएगा। किसी को अगर स्ट्रेन लगता है, तनाव लगता है शोल्डर में, गर्दन में, तो मत कीजिएगा। कई बार नेक में स्टिफनेस है, सर्वाइकल का है, शोल्डर में कोई फ्रोजन है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी ये प्रैक्टिस रहेगी। श्वास लीजिएगा, मुस्कान रखिए चेहरे के ऊपर प्यारी सी, यस, देखो फोटो बड़ी अच्छी आएगी अगर आप स्माइल करते, यस, वेरी गुड। वापस आइए, धीरे से वापस आइए। पहले हमने लेफ्ट हैंड को उठाया था, अब हम राइट हैंड को उठाएंगे। पहले राइट हैंड को उठाइए, अब राइट हैंड पहले लेफ्ट शोल्डर पर, फिर लेफ्ट हैंड, फिर लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पर, एकदम से नहीं रखना उसको, पहले पूरा खींचना है, फिर आपको ये लेकर जाना, क्योंकि छोटे छोटे टेक्निक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी आसन को करने के लिए और उसके बेनिफिट लेने के लिए। स्टे कीजिए, स्टे कीजिए, कोई भी चीज़ आप पूरे टेक्निकल तरीके से करोगे तो उसके बेनिफिट आपको जल्दी मिलेंगे। ओके, आ जाइए वापस, धीरे से एक एक हाथ छोड़ते हैं। ओके ओके, बस ये लास्ट प्रैक्टिस है इनका, सभी को इंजॉय हो रहा है सर, बस लास्ट से आप मुझे 5-7 मिनट्स दे दीजिए। तो लास्ट का प्रैक्टिस आपका वक्रासन का रहेगा, दोनों पैर सीधे कर लीजिए धीरे से और थोड़े से लेग्स को रिलीज कर दीजिए। तो यहां से हम वक्रासन की प्रैक्टिस करेंगे, तो आप अपनी लेफ्ट लेग को बेंड कीजिए, यस, लेफ्ट लेग को बेंड कीजिए, ये डिस्टेंस थोड़ा कम ही रखिए, जितना कम करोगे ना आपकी स्पाइन टेढ़ी हो जाएगी, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए जहाँ तक आप अपनी कमर को सीधा रखता है। और फिर यहाँ से राइट हैंड को उठाइए, पूरा पूरा उठाइए, राइट हैंड को स्ट्रेच कीजिए और फिर राइट हैंड को ऐसे लेफ्ट नी पर रख दीजिए और लेफ्ट हैंड को ऐसे हिप के पीछे रख दीजिए। अगर मुझे देख लो ऐसे करके नहीं बैठना है, ठीक है, आपको सपोर्ट लेना और कमर को बिल्कुल सीधा रखना है, नी को थोड़ा पीछे पुश कीजिए और ये हिप मत उठाओ, वैसे हिप को नीचे रखते हैं, दोनों हिप नीचे और पीछे की तरफ देखिए, ट्विस्टिंग पोस्चर, डायबिटीज के अलावा कभी भी नहीं होगा, वेरी गुड। धीरे से वापस आ जाइए,
अभी हमारे पास इतना समय नहीं है, नहीं तो जितने भी आसन जो हम लेके आप इनको रेपिटेशन करते हैं कम से कम 2 बार 3 बार तो रिजल्ट आपको उतना ही अच्छा आपको मिलेगा। राइट लेग को बेंड कीजिए, लेफ्ट हैंड को उठाइए, लेफ्ट हैंड को राइट नी पर ड्रॉप कीजिए, राइट हैंड हिप के पीछे। आप अपने नी को, शोल्डर को, नेक को अलाइन करने की कोशिश कीजिए। जितना जबरदस्ती करोगे उतना ही आप आसन में ना घुसते जाओगे। हमें घुसना नहीं आसन में, हमें लिफ्ट करना है। पीछे की तरफ देखिए, धीरे से वापस आ जाए, धीरे से वापस आ जाए। वेरी गुड। और दोनों एक बार दोनों टोस को एक बार पकड़ लीजिए अल्टरनेट प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो अभी थोड़ी सी समय की हमारी थोड़ी सी लिमिटेशन है। एक बार मोम की चैंटिंग करेंगे, उसके बाद फिर आपको एक छोटा सा योगा के ऊपर, आसनास के ऊपर एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिया जाएगा। सभी किसी भी ध्यानात्मक आसन के अंदर आप बैठ जाइए। सभी अपनी कमर को सीधा रखें, कंधे रिलैक्स कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। लंबा गहरा सांस, इनहेल एंड डीप ब्रेथ्स। फिर से लंबा गहरा सांस, इनहेल, सारी पॉजिटिव ऊर्जा को अपने अंदर ले लीजिए एंड डीप एक्सहेल। सांस को छोड़ते हुए हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा, स्ट्रेस, टेंशन, ईगो सभी को बाहर निकाल दीजिए। एक बार फिर से इनहेल, एक बार ओम चैंटिंग। दोनों हाथ नमस्ते मुद्रा के ऊपर और जोर से रगड़िए, थोड़ा और जोर से रगड़िए, थोड़ी सी और ताकत लगा दीजिए, थोड़ी सी और लगा दो लास्ट में। एंड नाउ धीरे से दोनों पांव को अपने चेहरे पर आंखों पर रखिए। धीरे से आंखों को खोलिए, अपने पांव की तरफ देखिए। धन्यवाद। धन्यवाद।